हेलो फ्रेंड्स, अगर आप अपने SBI क्रेडिट कार्ड को परमानेंट क्लोज करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड है और आप उसे परमानेंट क्लोज करवाना चाहते हैं, कोई भी रीजन हो, आप अपने SBI क्रेडिट कार्ड को बड़ी आसानी से क्लोज करवा सकते हैं बिना बैंक जाए या बिना कोई फॉर्म या एप्लीकेशन लिखे। वैसे तो क्रेडिट कार्ड क्लोज करने के और भी तरीके हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम SBI कार्ड ऐप से क्रेडिट कार्ड क्लोज करने के प्रोसेस को लाइव देखेंगे। इसके लिए आपके पास क्रेडिट कार्ड में कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट नहीं होना चाहिए, मतलब कि कोई भी बिल बकाया नहीं होना चाहिए। पेमेंट करके इसको जीरो कर दे। अगर कोई अमाउंट पेंडिंग में होगा तो आप इसे क्लोज नहीं कर सकते। और SBI कार्ड ऐप होना चाहिए जो कि लॉगिन हो जाए। और अगर आपके पास SBI कार्ड ऐप नहीं है तो SBI कार्ड ऐप कैसे सेटअप करें, उसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो चलिए SBI क्रेडिट कार्ड को SBI कार्ड ऐप से परमानेंट क्लोज करने के प्रोसेस को लाइव करते हैं। SBI कार्ड ऐप को ओपन करेंगे, उसके बाद इसे लॉगिन करेंगे। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा लिमिट यूटिलाइज 0 दिख रहा है। इसका मतलब कंपनी और मेरे बीच में कोई भी लेन देन बकाया नहीं है, मैं इसे आसानी से क्लोज कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पे सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कार्ड क्लोजर रिक्वेस्ट, इस पे क्लिक करेंगे। फिर आप यहाँ पे दो ऑप्शन देख सकते हैं, फर्स्ट वाले को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे प्राइमरी कार्ड को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास एड ऑन कार्ड होगा तो यहाँ पे 2 या 3 कार्ड्स दिख सकते हैं, तो आपको प्राइमरी कार्ड को ही सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट रीजन फॉर कार्ड क्लोजर, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे से कोई भी एक रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं, क्यों आप क्रेडिट कार्ड क्लोज करवाना चाहते हैं। तो आप यहाँ से अपने हिसाब से कोई भी एक रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लो कार्ड यूजर्स पे क्लिक कर दिया, हमारा कोई यूज नहीं है क्रेडिट कार्ड का इसलिए। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये कुछ हमको जानकारी दे रहा है, कुछ कार्ड के बारे में ऑफर दे रहा है, तो हमें ये कैंसिल रिक्वेस्ट नहीं करना है, हमें इसे कंटिन्यू करना है। तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये भी और कुछ और ऑप्शन खुल जाते हैं कि आप चाहें तो अपने चार्ज को रिवर्स करवा सकते हैं, बिलिंग डेट को चेंज करवा सकते हैं, या कार्ड के कुछ अदर फीचर्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमें ये कोई भी ऑफर यहाँ पे नहीं चाहिए, तो हम इसे स्किप कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का शो होगा। आप यहाँ पे अपने कार्ड के लास्ट के 4 अंक देख सकते हैं, यहाँ पे रीजन देख सकते हैं क्यों कार्ड क्लोज करवाना है। कंफर्म दैट आई विश टू प्रोसीड विद द कार्ड क्लोजर रिक्वेस्ट, इस बॉक्स को टिक करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। फिर यहाँ पे देख सकते हैं, वी विश टू कनेक्ट विथ यू, तो यहाँ पे ये कस्टमर केयर वाले आपको कॉल करेंगे। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे डेट और टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि आप डेट और टाइम सेलेक्ट कर लिए ताकि ज़्यादा अच्छा हो। तो यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेंगे, किस डेट को आपको कॉल अपना करवाना चाहते हैं। 3 दिन आगे तक का टाइम देता है, तो मैंने इसे नेक्स्ट डे के लिए सेलेक्ट कर लिया। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे टाइम स्लॉट खुल जाते हैं, तो आप जिस भी टाइम को अवेलेबल रहेंगे उनसे बात अगर करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से ये टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो टाइम को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर है सेलेक्ट लैंग्वेज, तो आप यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे कि आप किस भाषा में उनसे बात करना चाहते हैं, इंग्लिश, हिंदी और काफ़ी सारे और रीजनल लैंग्वेज भी हैं, तो आप जो चाहें उस भाषा को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसे कंटिन्यू कर देंगे। अगर इस तरह का कोई एरर आता है तो ये सर्वर का इशू है, कोई दिक्कत नहीं, ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो फिर से इसे प्रोसेस करेंगे, सेम प्रोसेस करिए, हो जाएगा ये। इसके बाद इसे कंटिन्यू करेंगे। फिर आप देख सकते हैं आपके रजिस्टर नंबर पे एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे टाइप करेंगे। इसके बाद इसे सबमिट कर देंगे। फिर आप देख सकते हैं, रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली, वी हैव रिसीव योर रिक्वेस्ट फॉर क्लोजर ऑफ योर प्राइमरी क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे आपका कार्ड नंबर दी जाए, यहाँ पे आपको सर्विस रिक्वेस्ट नंबर दिख जाएगा, यहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम 7 डेज लिखाया है, और ये आपके रजिस्टर नंबर पे भी ये मैसेज आ जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्रेडिट कार्ड क्लोजर रिक्वेस्ट का हमें यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज भी आ गया, जिसमें अपना रिक्वेस्ट नंबर है, और ये 7 डेज में आपका क्रेडिट कार्ड क्लोज हो जाएगा, या जो भी आपने रिक्वेस्ट के लिए क्लोजिंग रिक्वेस्ट डाला है, ये प्रोसेस 7 दिन के अंदर में कम्प्लीट हो जाएगा। इसके बाद SBI क्रेडिट कार्ड कस्टमर केयर से आपको कॉल आएगा, जो आपने टाइम और डेट सेलेक्ट किया होगा। आप यहां पर 2 काम कर सकते हैं। पहला, कस्टमर केयर वाले कॉल करेंगे, उनका कॉल रिसीव कीजिए, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और कुछ ऑफर वगैरह भी देंगे, या काफ़ी तरह के ऑफर देंगे, या आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी वो लोग दे देंगे। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो उनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लीजिएगा, फिर आपका कार्ड एक्टिवेट रहेगा, कार्ड बंद नहीं होगा। या अगर आप उनके ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं और बोलते हैं नहीं मुझे इस कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, या आप जो भी अपना चाहें उस हिसाब से उनसे बात कर सकते हैं। अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड क्लोज करवाते हैं तो NOC ज़रूर ले लें।
दूसरा, आप चाहे तो इस रिक्वेस्ट को करने के बाद 7 दिन तक कोई भी अननोन नंबर से कॉल रिसीव मत कीजिए। कस्टमर केयर का नंबर कौन सा है आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तो आप अननोन नंबर रिसीव मत कीजिए। 8वें दिन आपका कार्ड ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। होप सो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। और अगर आपके पास SBI क्रेडिट कार्ड ऐप नहीं है या किसी वजह से SBI कार्ड ऐप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो क्रेडिट कार्ड क्लोज करने के और भी तरीके हैं, आने वाली वीडियो में मैं उसकी जानकारी दूंगा। और अगर आप SBI बैंक या किसी और बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से अपने लिए क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इस वीडियो से आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।